दवाई है आपके पास, फ्रैक्सिनस अमेरिकाना, वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पैदा करने में मदद करती है, चाहे वो एनेमिक भी हो तब भी वो मेंसेस जारी कर देती है, वरना अगर मेंसेस काफ़ी देर रुके रहे तो यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये एंटी फाइब्रॉइड्स है और एंटी पीसीओएस दवाई है, तो इससे का खवातीन जो हैं वो आपका एक टॉनिक है अबे हयात, वो अक्सर औरतें यूज़ करती हैं और जिससे उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ों में दिक्कत नहीं रहती। खा वो किसी किस्म की बीमारी की वजह से भी उनको मेंसेस नहीं आ रहे तो उनमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आपकी दो मशहूर दवाइयाँ हैं, फ्रैक्सिनस अमेरिकाना और एक है आबे हयात। अबे हयात ये आम मिलता है, शरबत है क्या है? ये डॉक्टर साहब का नुस्खा है, इन्होंने तैयार करवाया है, वो अच्छा अच्छा अपने मासूमियत की वजह से वो अपने ऊपर बताते नहीं है कि इनके पास बड़ी कुछ दवाइयां मार्का खेज हैं। तो आप इसीलिए बैठे ना लेफ्ट हैंड पे कि आप बाएं नहीं दाएं बाजू बांधे और वजाहत कर दें नहीं उसकी। सर, प्राण साहब तो हमारी जान है, हम इनके पीछे पीछे हैं। चलें, अब आपने जिक्र किया तो बता ही दें इनको, हाँ बता बताने को यार, लोगों के दें, बता इन्फॉर्मेशन ही है। दें। ये है कि डॉक्टर साहब सिर्फ ये नहीं है कि ये दवाइयां तैयार करवाते हैं, मगर दुनिया से सस्ती तरीन ढूंढवा कर ये कॉम्बिनेशन बनवाते हैं। बेशुमार दवाइयां ऐसी हैं जो नायाब है, मगर डॉक्टर साहब उनको अपने पास अवेलेबल करते हैं, रखते हैं। मैं ये डॉक्टर साहब खुद से नहीं कहते कि भी ये मेरे पास अवेलेबल है ले लीजिए, मगर मैं रिकमेंड करता हूं कि पूरे यूरोप में जो भी पेशेंट को चाहिए, क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी सिर्फ डॉक्टर साहब के पास है और फौरी है, और कोई किसी के पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई कौन सी दवाई कहाँ से मिलेगी। फौरन हमें ख्याल आता है कि हमारे पास डॉक्टर साहब वहाँ है, और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर साहब फौरन भेज देते हैं। इसके ये कता नजर कि पेशेंट इनको पैसे भेजते हैं या नहीं भेजते, इनके पेंडिंग रहते हैं, लोग अपनी मर्जी से जब दोबारा दवाई मंगवानी होती है फिर ही अकाउंट में पैसे डाल देते हैं कि डॉक्टर साहब अगली दवाई हूँ भेज दो। ये इस तरह है कि जो भी दवाई आपको कहीं से भी नहीं मिलती। अभी ये शरबत काफूर है, जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो इंतहाई महंगे हैं, मगर जिस कीमत पे डॉक्टर साहब दे रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ये डॉक्टर साहब इसका खर्चा पूरा कैसे करते हैं। तो लिहाजा दुनिया को ये मेरी तरफ से गुजारिश है कि प्लीज शरबत काफूर जो इस वक्त तैयार है वो, उसके पीछे बहुत मेहनत है और डॉक्टर साहब की बहुत ज्यादा दुआएं इसके साथ हैं, शामिल हाल है। जितनी सस्ते डॉक्टर साहब देते हैं ये इनकी ही हिम्मत है। और जो नुस्खा शरबत जो फ्रैक्सिनस अमेरिकाना है, आपको इस वक्त यूरोप में नहीं मिलेगी सिवाय डॉक्टर साहब के, ये बैन है और कई सालों से नहीं आ रही। चलेंगे जी आगे।